टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन कंजर्वेशन से पहले एंगुलर मोमेंटम है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को, तो आपको हमेशा मैंने एंगुलर मोशन को ऐसे समझाया, कंपेयर योर एंगुलर मोशन विद लीनियर मोशन। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक रोटेशनल में जब करवाया उसकी स्टार्टिंग ऐसे ही की, अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियर एक्स है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, लीनियर मोशन में वी है एंगुलर में ओमेगा है, लीनियर में ए है एंगुलर में अल्फा है, लीनियर में मास है इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें फोर्स है तो इसमें एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क है। इसका जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम इन टू ए, एफ की जगह टॉर्क, एम की जगह आई, ए की जगह एल्फ है, ऐसे किया। लीनियर मोमेंटम P, एंगुलर मोमेंटम L, जो काम P करता है वो काम इसमें L करता है। लीनियर मोमेंटम लीनियर काट के एंगुलर यानी कि रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो क्या था, एम इन टू वी, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या बनेगा, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, आई इनटू ओमेगा, तो बन गया फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन पोजेस बाय अ बॉडी इज लीनियर मोमेंटम, अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पोजेस बाय द बॉडी इज एंगुलर मोमेंटम। अब अमाउंट ऑफ मोशन किसे बोलते हैं, अगर मास बढ़ा है तो लीनियर मोशन बढ़ी है, अगर वेलोसिटी बढ़ी है लीनियर मोमेंटम बढ़ा है, कोई भी बढ़ा है पी बढ़ा है, इसके अंदर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ा है, ओमेगा तेज घूम रही है बॉडी तो भी एंगुलर मोमेंटम बढ़ा है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लीनियर मोशन में जो एफ था वो कैसे रिलेटेड है, डी पी बाय डी टी, एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क, डी बाय डी टी ऑफ पी की जगह एल, ये देखो आ गया, तो सेम ही चल रहा है आपके, मतलब जैसे लीनियर मोशन वैसे एंगुलर मोशन चल रहा है। तो ये सारे फॉर्मूला लीनियर के थे, ये सारे फॉर्मूलाज एंगुलर के हैं, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, एक्चुअल में हमने जो पूरी प्लस वन की फिजिक्स की लीनियर में वो काम रोटेशनल किस में कर रहा है, एंगुलर में। मैंने ये भी कहा था रोटेशनल करते हुए हम एक एक चीज को रिवाइज करेंगे, समझ में आ रहा है ना, लीनियर में रिवीजन, अब एंगुलर में रिवीजन होती जा रही है इस चीज की। तो आज हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं एल, एंड एल इज अ वेक्टर, तो एल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आर क्रॉस पी, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे टॉर्क वेक्टर करता था। टॉर्क वेक्टर क्या होता था, आर क्रॉस एफ, इसमें आर क्रॉस पी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और इसे अगर ओपन करेंगे तो आर पी साइन फाई, जैसे टॉर्क में किया था कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स एफ लग रही है और ये आर है, आर और एफ में एंगल क्या है, फाई, तो टॉर्क क्या था, आर एफ साइन फाई, इसमें जहां जहां एफ है वहां वहां क्या रिप्लेस करेंगे, पी, तो क्या आएगा यहां पर, आर पी साइन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टॉर्क की कॉपी है ये, बस इतना सा फर्क है कि जहां पर पी यूज, जहां एफ यूज करते थे वहां पर पी यूज कर रहे हैं, बस क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बॉडी, ये देखो एक पॉइंट मास है और वो इधर मूव कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है एफ, O एक्सिस है, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो और ये डिस्टेंस h है, तो हमने कैसे किया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आएगा, ऐसे किया था। सेम है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में f नहीं गिवन होगा, क्या गिवन होगा, p, f की जगह p, p क्या होता है, m into v, तो लीनियर मोमेंटम और ये h है, O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, वही सेम है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, mv, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या बनेगा, एक्सिस से h, तो mv इनटू h, कुछ नहीं है उसमें, f इनटू h है, इसमें m इनटू h है, तो मेथड समझ में आ रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम है, सेम रूल है। हालांकि हमने टॉर्क को ऐसे भी निकाला था, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको करने की, वैसे तो हमने ऐसे निकाला था कि अगर एक सेम क्वेश्चन है, अगर एमवी के साथ तेरे जा रहा है और
इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एक काम करो इसको आर मान लो, आर में और पी में इमेजिन कर लो एंगल फाई, तो ये भी फाई, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर पी साइन फाई, और साइन फाई यहाँ से एच बाई आर है, यार आंसर तो वही आएगा एम इन टू एच, तो करने की जरूरत क्या है, तो मेरे हिसाब से जैसे आपने टॉर्क निकाला था वैसे ही एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, बस फर्क ये है कि एफ की जगह पी यूज करना है, दैट्स इट। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो इसके बेस पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा एक प्रोजेक्टाइल है, एक पॉइंट मास है, एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आता है, वी के साथ प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा, मैक्सिमम हाइट कितनी है एच एम है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बतानी है, एल क्या होगी और एक्सिस क्या लेना है, अबाउट पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट ओ, तो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट बताना है, अबाउट पॉइंट ओ, तो ये बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल के पास लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ वी कॉस थीटा, क्योंकि वी साइन थीटा होती नहीं है, वी कॉस थीटा, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम इन टू वी कॉस थीटा, तो ये लीनियर मोमेंटम है एम इन टू वी कॉस थीटा, ये रहा, ये रहा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, एच एम, मैक्सिमम हाइट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, एम वी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच एम, तो एच एम की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, आंसर। तो कैसे निकलेगा एंगुलर मोमेंटम समझ में आ रहा है, तो पहले निकलेगा लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर देना है इन्हें, मल्टीप्लाई, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, और भी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आपको बुक्स में बहुत प्रॉब्लम दिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई किया हुआ है, तो फिर से करने का मतलब नहीं है कि मैं एफ की जगह पी यूज करके सेम प्रॉब्लम करवाऊं, तो इसलिए एक आध प्रॉब्लम आपको ऐसे दिखेगी, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में दिखेगी, जो अभी हमने करना है। तो यहां तक क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम,